कीर्तन अटेंड किया, संध्या कीर्तन, और रोशन होता है, प्रसादम होता है, एंड इट इज वेरी फेमस प्रोग्राम ऑफ एक वैष्णव भजन गाएंगे भी। अगर आपके पीछे की साइड को गाइएगा तो प्रयास करोगे बोर्ड पे करने का। हरे कृष्ण नित्यानंद पते मोर गौराचंद्र प्रणाम युगल is
जगन्नाथ प्रदेश सुभद्रा महाराज की जय, गौर लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भागवतम महिमा की जय। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी वरिष्ठ वैष्णव है वैष्णवी हैं, मैं सबके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। काफ़ी सारे वरिष्ठ वैष्णव भी हैं, रामप्रिय प्रभु जी, प्रभु जी सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि इस जो विषय विशेष विषय वस्तु मुझे मिली हुई है कि श्रीमद् भागवतम की महिमा और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम की महिमा का बखान करना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मुझे मौका मिलता है कहीं भी क्लास करने का तो श्रीमद् भागवतम की महिमा मैं जरूर करता हूँ, अच्छा लगता है। और एक्चुअली कोई भी जीवन में कार्य करते हैं जब ये पता है कि वाई आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, तो और हम ज़्यादा तन्मयता से उसे कर पाते हैं। तो डेली जैसे कि आप सबको पता है इस्कॉन में जितने भी इस्कॉन के केंद्र हैं, मंदिर हैं, सब में सारे मंदिरों में प्रातःकालीन ये रूटीन के रूप में प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा होता है सुबह 8 बजे। तो क्यों, वाई, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, भागवतम ही क्यों होता है? तो आज भागवतम के बारे में हम चर्चा करने के लिए, श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सब लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि ये जो अमल पुराण है इसके बारे में कुछ भी इसकी गुणगान करने की शक्ति रूप गोस्वामी और जो भी हमारे आचार्य लोग हैं, प्रभुपाद जी हैं, गुरु परंपरा से मुझे भेजें, तो एक बार गुरु परंपरा से आशीर्वाद की याचना करेंगे। देन विल स्टार्ट दिस क्लास। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मुद्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्र जातं सह गणरघुनाथापितां तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां श्रीविशाखामिताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्णा कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे हरे कृष्णा मुखम करो दिवाचलम पंगुल श्री गुरु जी तारे परमानंद गुरु की कृपा से लगड़ा भी पहाड़ को डाक सकता है, गुंगा आदमी भी बोल सकता है, उसी गुरु का कृपा की दया। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम की महिमा, और इस पे मैं तीन एक्सपेक्ट पे बात करने वाला हूँ। तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि श्रीमद् भागवतम है क्या। पहला, जैसे कोई भी चीज़ अगर आता है हमारे में कि इसके बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज दिस, ये सब्जेक्ट मैटर है क्या। तो श्रीमद् भागवतम है क्या उसके बारे में बात करेंगे। एंड जो सेकेंड हमारा टॉपिक रहेगा, सब्जेक्ट मैटर रहेगा, हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा, आज जो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है तो कैसे हुआ, ये क्यों यही हुआ। और तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट मैटर रहेगा, बेनिफिट ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का क्या फल होता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे जो लव फिस के कोऑर्डिनेटर हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने डिसाइड कर रखा है सुखताल का एक कैंप है आप सबके लिए। तो
तो सुकताल वो जगह है जहाँ पर श्रीमद् भागवतम की उत्पत्ति हुई थी, और हम सब का परम सौभाग्य है कि हमें उस जगह पे जाने का मौका मिल रहा है, दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और आज क्लास श्रवण करने के बाद और आप लोगों का एक लौल्यम, जैसे कहते हैं ना कि तत्र लौल्यम एक मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ी क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो कहा जाता है कि सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन लौल्यम होना चाहिए, ईगरनेस। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा लौल्यम रहेगा, ईगरनेस रहेगा, उतना ही उस चीज़ को हम प्राप्त करते हैं। तो और वहाँ पर जाने का आज हमारा लौल्यम ईगरनेस बढ़ेगा श्रवण करने के बाद। तो श्रीमद् भागवतम है क्या? श्रीमद् भागवतम देखिए, आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए तब समझ में आएगा, और लास्ट में प्रश्नोत्तर भी हम कर सकते हैं कुछ। तो सारे वेदों को लिखने के बाद, सारे जो वैदिक ऋचाएं हैं, ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति हुई थी, भगवान से इस श्वास से वेदों का उत्पत्ति हुआ था। तो सारे वेदों के लिखने के बाद फिर सबको समझाने के लिए व्यास देव ने कुछ सूत्र बनाए, सूत्र बनाए। जैसे साइंस में सूत्र होता है ना, इंटरगेशन का, डिफ्रेंसिएशन का, ऐसे लॉज होते हैं, किरचॉफ लॉ, न्यूटन्स लॉ वगैरह होते हैं, तो वैसे ही कुछ फॉर्मूले बनाए गए, उसको क्या कहते हैं, वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र में एक सूत्र है जिसको कहते हैं जन्मादि असियतः, जन्म आदि, जन्म, पालन, मृत्यु, इससे जन्म आदि सारी क्रियाएं होती हैं, ये एक वेदांत सूत्र है। तो ऐसे कई सारे वेदांत सूत्र होते हैं, तो उसी में एक वेदांत को लगा कि वेदांत सूत्र की मैंने रचना कर दी है, लेकिन जो कलयुग के लोग होंगे उतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होंगे कि इसको समझ पाए एक्चुअली, है ना। वैदिक शास्त्रों को श्रुति कहते हैं, श्रुति मतलब जो सुनने से सीखा जाता है, ये गुरु शिष्य परंपरा से सुनने से आता है, लेकिन इसको श्रुति से कलयुग में लिखना पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रता, हम लोग मंद मति के होते हैं, याद नहीं कर पाते हैं सुन करके, श्रुति धर्म में से ज्यादातर लोग नहीं होंगे, तो इसमें से लिखना पड़ता है। तो उस सारे वैदिक उस पे उन्होंने कमेंट्री किया, और वेदांत सूत्र का जो नेचुरल कमेंट्री है वो है श्रीमद् भागवतम, जो कि वेदांत सूत्र को जिसने लिखा व्यासदेव ने, उन्होंने ही वेदांत सूत्र पर कमेंट्री लिया था, जन्मादि यस यतः जो सूत्र है इस पे, वो एक सूत्र का 18,000 श्लोकों में, जो कि 12 स्कंद में है, 335 चैप्टर हैं, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन किया था। तो अब ज़्यादा मैं डिटेल्स में साइंटिफिकली चर्चा नहीं करूँगा, जो 10 सब्जेक्ट मैटर होते हैं तो भी शॉर्ट में मैं इसका आगे व्याख्यान कर दूंगा। तो श्रीमद् भागवतम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? तो कलयुग के लोगों के, विशेष लोगों के, हम लोग जैसे कहते हैं कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रिता, मंदा सुमंद मतयो प्रायण अल्प आयु सभ्य कलु अस्मिन युगे जना, कलयुग के हमारी क्वालिफिकेशन है ये कि मंद मति होती है, आयु भी हमारी कम होती है, मंद भाग्य होता है। तो हमारे बेसिकली उद्धार करने के लिए, हमारे लिए क्या करना पड़ा, भगवान ने साक्षात अवतार लिया, एक सत्तावेश अवतार लिया, और भगवान व्यासदेव का अवतार लेकर के सारे वैदिक ग्रंथों को लिखित रूप में करते हैं। तो लिखित रूप में सब कुछ करने के बाद भी सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे बद्रिकाश्रम में, और फिर भी उनको कुछ ना कुछ असंतुष्टि लग रही थी कि ठीक है, मैंने सब कुछ की रचना कर दिया, चारों वेदों की रचना कर दिया, 18 पुराणों की रचना कर दिया, 108 उपनिषदों की रचना कर दिया, महाभारत की इतिहास के रूप में महाभारत और रामायण की रचना कर दिया, 1,00,000 श्लोक महाभारत में, 24,000 श्लोक रामायण में, सब कुछ रचना करने के बाद भी बहुत लग रहे थे कुछ ना कुछ खाली पड़ा है, कुछ ना कुछ रह गया, कुछ ना कुछ चुक गया है। तो ऐसी बहुत दिल में उनके खाली खाली मन सा लग रहा था, कई बार हमारे जीवन में भी लगता है। तो उसी समय वहाँ पर जो उनकी स्पिरिचुअल मास्टर थे व्यासदेव के आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि, वो वहाँ पर प्रकट हुए, और नारद मुनि फिर उनको बताए, वो डांट लगाई नारद मुनि कि आपको जो करना था वो नहीं किया, बाकी सब कुछ कर डाला तुमने। कलयुग के लोग पहले से इतना है कि इनको कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब मन इनका भटकता रहेगा, और आप मन को भटकाने के लिए और बना दिए, 4 वेद बना दिए, पुराण बना दिए, जिसमें 6 तामसिक पुराण से 6 सात्विक और 6 राजसिक पुराण है। एक्चुअली पुराण तामसिक नहीं है, हर तरह के लोगों के लिए वैदिक ग्रंथ है।
तो कई लोग हमारे पे गुणों का प्रभाव होते हैं, तीन गुण होते हैं, कुछ लोग के अंदर तमोगुण होता है, कुछ लोग के अंदर रजोगुण होता है और कुछ लोग के अंदर सतोगुण होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए ना। देखिए सनातन धर्म जो है सबका कल्याण के बारे में सोचता है, इट्स अ वेरी ब्रॉड विजन। तो कुछ कोई किसी भी अवस्था में है, किसी भी रूप में हो, उसका उत्थान होना चाहिए। तो अतः वो तीन तरह के पुराण है और सब कुछ जैसे कि भगवान गीता में कह रहे हैं ना, त्रैगुण विषयावेदन स्त्रगुण भवार्जुन, कि जो भी व्यक्ति के ग्रंथ हैं ये तीनों गुणों में लिप्त हैं और आच्छादित हैं। बट नैस्त्री गुणीय भवार्जुन, हे अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। और जो भी वैदिक शास्त्र लिखे थे उन्होंने व्यासदेव ने, कहीं ना कहीं ये तीनों गुणों में थे। या तो सतो, देखो उसमें कई वैदिक ऐसे पुराण से उसमें करोगे ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसे अगर पुत्र चाहिए तो पुत्रष्ठी यज्ञ कर लो, अश्वमेध यज्ञ करो, ग्वालंब यज्ञ करो, ऐसे ऐसे राजसु यज्ञ करो, इसको करने से स्वर्ग मिलेगा, जनालोक तपालोक मिलेगा, ऐसा सब कुछ मिलेगा। तो आदमी क्या करता है, तो बिजनेस का सौदा हो गया ना, मैं ये करूंगा इस देवता के प्रसन्नता के लिए तो मेरे को ये मिलेगा। तो ये करके भी वो संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद फिर नारद मुनि ने उनको सलाह दिया था कि अब भगवान के शुद्ध भक्ति के बारे में केवल भगवान और उनके भक्ति का गुणगान करने के लिए कोई ग्रंथ लिखो। तो अपने भक्ति के, अपने जीवन के बिल्कुल मैच्योर अवस्था में, परिपक्व अवस्था में व्यासदेव, ये व्यासदेव का आखिरी संकलन है श्रीमद् भागवत, व्यासदेव का आखिरी संकलन है। फिर उन्होंने अपनी पूरे परिपक्व अवस्था में, और श्री भागवत में लिखा गया है कि उन्होंने भगवान का और माया का, जीव का, भगवान का, माया का एक साथ दर्शन किया कि भगवान कौन है, जीव क्या है और बहिरंगा शक्ति माया क्या है, जो संबंध ज्ञान कहते हैं ना। और हर जगह संबंध ज्ञान भागवत में दिया गया, मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये ट्राइंगल को ये बताएं कि मैं क्या हूँ, प्रकृति क्या है और भगवान क्या है, इसको समझ करके और भगवान और भक्ति के शुद्ध भक्ति को लिखने मतलब का वर्णन करते हुए जिस ग्रंथ की रचना की गई उस ग्रंथ को कहते हैं श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतम के। तो ये शुद्ध भक्ति को वर्णन करता है और ऐसा ये ग्रंथ है जिससे भगवान आकर्षित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जिसको भगवान, जिसको सुनने के लिए ललायित रहते हैं और भगवान भी जिनसे आकर्षित हो जाते हैं। जब साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए हुए थे तो प्रतिदिन का डेली का ये रूटीन था, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जगत श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। तो डेली का महाप्रभु का रूटीन था क्या, श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुना करते थे वो, विशेष रूप से दो प्रसंग प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज का। तो ये श्रीमद् भागवतम, और जो सबसे टॉप मोस्ट इसको कैसे रखा गया है, एक श्लोक है आप लोग मेरे पीछे पीछे कहिएगा, अच्छा है आप लोग भी इसे गेज रहेंगे माइंड आपका भी, निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न ज्ञान यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदं तथा, पुराणानाम इदं तथा। यस, इसमें कहा गया है कि निम्न गा नाम यथा गंगा, निम्न गा निम्न नीचे गा जाने वाली, नीचे जाने वाली चीजों में मतलब जो हिमालय से निकल करके समुद्र की तरफ जाती हैं, उन सारी नदियों में जैसे गंगा नदी क्या है, सबसे पवित्र है, सबसे श्रेष्ठतम। निम्न गा निम्न गाना भी यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, और जितने भी देव देवता लोग हैं उनमें सबसे ऊपर कौन है, अच्युत मतलब भगवान विष्णु या भगवान भगवान श्री कृष्ण। अच्युत बोलते हैं जो कभी च्युत नहीं होते हैं, जो भी अपने कमिटमेंट से कभी फॉल जिनका नहीं होता उनको अच्युत कहते हैं। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव हैं उनमें सबसे उत्तम वैष्णव कौन है, शंभु शिव जी। और पुराणा नाम इदम, सारे पुराणों में जितने भी पुराण हैं, पुराण की पुराण जितने भी हैं सब में कौन सा पुराण सर्वश्रेष्ठ है, भागवत पुराण। ये भागवतम की महिमा, देखिए कोई भी जैसे महान चीज होता है ना, तो महान चीज का ऐसा नहीं कि भागवतम की महिमा भागवतम में लिखी गई है, भागवतम की महिमा हर जगह लिखी गई है, कई जगह लिखी गई है, अन्य पुराणों में भी लिखी गई है। तो भागवतम महात्म्य एक आता है पद्म पुराण में, उसका भी मैं चर्चा करूँगा।
तो ये श्रीमद् भागवतम है जो कि भक्ति के मेच्योरिटी अवस्था में व्यासदेव द्वारा लिखा गया। और भागवतम इज द ओनली ग्रंथ, ये भागवतम एकमात्र ग्रंथ है। जैसे कि जब मायावाद का प्रचार हो रहा था भारत में भी और विशेष रूप से दक्षिण भारत में विशेष रूप से, तो जितने भी वैदिक ग्रंथ थे, वेदांत सूत्र थे, सब पे जो शंकराचार्य थे शारीरिक भाष्य अपना दिए थे। बट दिस इज द ओनली ग्रंथ, ये एकमात्र ग्रंथ था श्रीमद् भागवतम जिसपे कोई शारीरिक भाष्य नहीं है, मायावाद भाष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप किसी भी रूप में ये साबित कर ही नहीं सकते कि भगवान का रूप गुण नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, मतलब भगवान निराकार है, भगवान निर्विशेष है, भगवान ज्योति है, भगवान ये है, फलाना ढिकाना है, आप कर ही नहीं सकते साबित। बार 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 इसकी व्याख्या अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से की गई है। जैसे भागवतम में एक उदाहरण देता हूँ, भागवतम के दशम स्कंद में इसमें किया गया है, वराहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम, कि वराहा पीडम जो वराहा का आपी देखते हैं ना, वराहा मतलब होता है मोर, मोर का पंख अपने सर पे लगा के रखते हैं, है ना, मोर पंख लगाने से भगवान की सुंदरता बहुत बढ़ जाती थी। और देखिए भगवान बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं मोर पंख से लगाने से बढ़ती थी, भगवान अगर कौवा का एक पंख लगा दे तो जो सुंदर होता है वो कैसे भी कपड़ा पहने सुंदर ही लगता है, तो मोरपंख भगवान के सर पे आकर के सुंदर हो जाता था। या बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रम वास करक कपिसम भय जयंतीम च मालम रंध्रण रेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपाद गमनम प्राविशत गीत कीर्तई। कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे भगवान के गोचारण लीला के, भगवान कैसे दिखते थे, क्या करते थे, उसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ये है भागवतम की खूबसूरती, कुछ भी करके अब स्पष्ट रूप से जब साबित किया जा रहा है कि भगवान ऐसे हैं, ये कार्य करते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे दिखते हैं, ये लोग उनसे मोहित हो सकते, तो कोई कैसे कह सकता है कि हाँ ये इनका रूप नहीं, इनका गुण नहीं है, निर्विशेष निराकार है। क्या कर रहे हैं कि पूरेण गोप रंध्राण वेणु, रंध्राण रंध्र मतलब होता है छेद, वेणु वेणु के छेद में रंध्राण वेणु अधर सुधया, अधर मतलब होता है ओट, सुधया मतलब होता है अमृत। क्या कर रहे हैं, वेणु के रंध्रों में अपने ओठों से सुधा अमृत भर रहे हैं। और वृंदारण्य हम स्वपाद गमनम, वृंदा के अरण्य में जंगल में वृंदावन में स्वपाद गमनम अपने नंगे पैरों से चल रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्तय, और सारे के सारे जो गोप वृंद लोग हैं उनका गुणगान करते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कई जगहों पर एक्चुअली वर्णन हुआ है, कई जगहों पर वर्णन हुआ है। तो कोई भी इसलिए इसका कोई शारीरिक भाष्य नहीं है, जो कि वैष्णव फिलोसफी को, हमारे वैष्णव धर्म को और विशेष रूप से गौड़िया वैष्णव को स्टैब्लिश करने में बहुत ही सहयोगी साबित हुआ कि इसका कोई शारीरिक भाष्य नहीं है। और जैसे कि जो इसका मेन, जो कि इसको क्यों टॉप मोस्ट रखा गया है, क्योंकि इसका जो साक्षात भगवान इसका प्रमाण देते हैं। आप लोग मेरे पीछे एक श्लोक बोलिएगा, बहुत अच्छा है, भागवतम की प्रमाण को एस्टैब्लिश कर रहा है। आराधितो भगवान ब्रज सतनय, आराधितो भगवान ब्रज सतनय, तद्धाम वृंदावनम, तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित् उपासना ब्रज वधो, रम्या काचित् उपासना ब्रज वधो, वर्गेण वा कल्पिता, वर्गेण वा कल्पिता, श्रीमद् भागवतम पुराण ममला, श्रीमद् भागवतम पुराण ममला, प्रेमो पुमार्थो महान, प्रेमो पुमार्थो चैतन्य महाप्रभो मतमिदं, चैतन्य महाप्रभो मतमिदं, तन्नादरो न परा, तन्नादरो न परा। यस, इसमें जितने भी हमारे सब्जेक्ट मैटर हैं भक्ति से रिलेटेड सबका वर्णन किया गया है। कि आराधितो भगवान ब्रजेश तनय, आराधितो आराधना हम सब लोग करते हैं, किसी न किसी उपासना आराधना, तो किसकी उपासना की जाए, तो आराधितो भगवान व्रजेश तनय, व्रज के इसके जो तनय है, मतलब कि जो नंद बाबा के बेटे हैं कृष्ण, तो किसकी आराधना किया जाए, कृष्ण की। आराधितो व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, और उनका धाम कौन सा है, वृंदावन धाम है।
तंधाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज बधूम। और अगर ठीक है मेरे को कोई भी चीज सीखना है तो एक रोल मॉडल होना हो चाहिए, इसको देख करके मेरे को ऐसा बनना है। तो ऐसे कैसा भक्ति करना है, तो रम्या काचित उपासना ब्रज बधूम, जो ब्रज के बधुओं ने करके दिखाया, गोपियों ने करके दिखाया, वो हमारी आइडियल होनी चाहिए। वर्गे न वाकल्पिता, पूरे वर्ग ने करके दिखाया। और श्रीमद भागवतम पुराण अमलम, इसका प्रमाण क्या है, श्रीमद भागवत प्रमाण है सब कुछ का। भागवतम में वृंदावन का व्याख्या है, कृष्ण का व्याख्या है, गोपियों का पूरा व्याख्या है, भक्ति के प्रोसेस का व्याख्या है और भागवत की व्याख्या है भागवतम। तो इन पांचों तत्वों का व्याख्या श्रीमद भागवतम में है। और प्रेमो पुमार्थो महान, जैसे जो चार हमारे पुरुषार्थ होते हैं ना, कौन कौन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर पुरुषार्थ हैं। और एक पंचम पुरुषार्थ होता है जो सबसे ऊपर होता है, कौन, प्रेमो पुमार्थो महान। पंचम पुरुषार्थ होता है कृष्ण प्रेम। तो भागवतम से हमें क्या मिलता है, कृष्ण प्रेम मिलता है पंचम पुरुषार्थ, जो कि सारे वैदिक ग्रंथों से, सारे वेदों से, पुराणों से नहीं मिलता है, वो भागवतम से मिलता है, प्रेमो पुमार्थो महान। और इसके प्रमाण कौन है, कौन कह रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, ये मेरा और आपका मत नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, साक्षात भगवान का मत है ये, तन्ना दरो न करो। इसलिए हमें इसे आदर पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान मत दे रहे हैं कि देखिए क्या, जैसे श्रीमद भगवत गीता के 12वें स्कंध में कहते हैं, समय भक्त यो में भक्त समय प्रिय, कि ऐसा ऐसा जो करता है वो भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो भागवतम है अमल पुराण है, और भागवतम इन पांचों तत्वों की रचना की गई है, और जो पंचम पुरुषार्थ है उसको हमें प्राप्त कराता है श्रीमद् भागवतम। और भागवतम कौन है, तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से द्वापर में प्रकट हुए थे, धाराधाम से अप्रकट हो रहे थे, भगवान जब अप्रकट हो रहे थे, तो जो सौरक आदि ऋषि ने भी प्रश्न किया था कि धर्म कम गतम, कि धर्म में किसका आश्रय लिया, कि धर्म में जब भगवान जा रहे थे तो धर्म कहां पर आश्रय लिया। तो जब भगवान द्वापर युग में अप्रकट हुए थे, फिर वही कलयुग में, इसमें विशेष बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवतम की व्याख्या करते हुए, आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा, ऐसे आप लोग बोलेंगे ना तो आपका माइंड भी, माइंड में जोर पड़ेगा, तो आप अटेंटिव हियरिंग कर पाएंगे, ठीक है, बोलिएगा। कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण स्वधाम उपगते, धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म ज्ञान आदि भी सह, कलौ नष्ट दिशाम एसाम, कलौ नष्ट दिशाम एसाम, पुराण अर्को अधुनोदिता, पुराण अर्को अधुनोदिता। क्या कह रहे हैं कि कृष्ण स्वधाम उपगते, जब 125 साल के लगभग 129 साल भगवान धारा धाम पे रहे थे, तो जब कृष्ण स्वधाम अपने धाम में उपगते जाने लगे, कृष्ण कहाँ जाने लगे, अपने धाम में जाने लगे, कृष्ण स्वधाम उपगत, धर्म ज्ञान आदि भी सह, जब भगवान गए तो भगवान के साथ धर्म और ज्ञान दोनों चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, फिर कलौ नष्ट दिशा ये सब, विशेष रूप से कलयुग के हमारे जैसे लोगों के लिए जिनकी बुद्धि थोड़ी नष्ट भ्रष्ट है, कलऊ कलयुग के नष्ट दृशांत ऐसा, पुराण अर्को अधुनोदित, पुराण अर्को, अर्क मतलब होता है सूर्य, सूर्य रूपी पुराण के रूप में, भागवत के रूप में भगवान दोबारा प्रकट हुए। और श्रीमद भागवतम जैसे कि आप यहाँ पर नहीं देखिए, दूसरा फोटो है, तो पूरे श्रीमद् भागवतम के जो एक से लेकर के 12 स्कंद है ना, पूरे भगवान की जो दिव्य शरीर है, जो दिव्य भगवान के शरीर के अंग है, उससे तुलना की है। जैसे कि प्रथम 2 स्कंद जो है भगवान के दोनों चरण कमल हैं। अगर आपको जैसे अगर भगवान के चरण कमल छूने हैं, तो प्रथम 2 स्कंद भागवतम का फर्स्ट कैंटो और प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण कमल हैं, तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान के जाके हैं, थाइस दोनों थाई, पंचम स्कंद भगवान की नाभि है, ससम छठवां जो स्कंद है भगवान का चेष्ट है छाती, सातवां और आठवां स्कंद भगवान की दोनों भुजाएं हैं, नवम स्कंद भगवान का ये थ्रोट है, गला है,
दसम स्कंद भगवान का स्माइलिंग फेस है। दसम स्कंद जिसमें 90 चैप्टर हैं, पूरा भगवान का वर्णन, कृष्ण का वर्णन किया गया फेस है। 11वां स्कंद भगवान का फोरहेड है और 12वां स्कंद भगवान का सर है। तो पूरा भगवान जब धराधाम से अप्रकट हुए थे तो श्रीमद् भागवतम पुराण के रूप में दोबारा भगवान प्रकट हुए थे। किसके लिए? कलौ नष्ट दिशा में सब, हमारे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। मतलब ये विशेष, मतलब उसको अपना संबंध देखना चाहिए कि भागवतम किसके लिए है? मेरे लिए है। मेरे लिए भगवान दोबारा अवतरित हुए श्रीमद् भागवतम पुराण के रूप में। तो ये भागवतम है कहा जाता है। तो भागवतम की हिस्ट्री बताना, इसके बारे में बताना चाहेंगे कि कहां से भागवतम आया। जैसे अभी हम डेली भागवतम सुनते हैं तो इसकी क्या क्या हिस्ट्री है। तो इसके हिस्ट्री बेसिकली पद्म पुराण के 5वें चैप्टर में वर्णन आती है, 5वें-6वें चैप्टर में, भागवतम महात्म में ही इसकी हिस्ट्री है। कि एक बार की बात है जो नारद मुनि के मन में आया कि चलो मैं तीर्थ यात्रा करता हूँ। तो तीर्थ यात्रा करने के लिए आए, ऊपर के लोगों से शुरू किए, सत्य लोग से, सत्य लोग के बाद फिर जनह लोग गए, तपह लोग गए, स्वर्ग आदि लोग गए, सिद्ध लोग, चारण लोग गए, इसके बाद पृथ्वी लोग पे भी है कि चलो यहाँ पर भी तीर्थ यात्रा कर लेता हूँ। तो आए तो गया में गए, काशी में गए, हर जगह गए, दक्षिण भारत में भी गए, हर जगह कांचीपुरम में गए, दर्शन किए। दर्शन करके लास्ट में मन विचार आता है, अब सबसे ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट दर्शन है वृंदावन का है, यहाँ चलता हूँ। वृंदावन क्या है? भगवान का घर है, यहाँ चल के तीर्थ करके आते हैं। तो वहाँ पे आए, तो वहाँ पर आए तो रास्ते में भी वृंदावन जा ही रहे थे, तब तक देखे कि एक लेडी थी, माता जी थी, और बहुत विलाप कर रही थी, करोड़ विलाप कर रही थी। तो अब साधु का हृदय होता ही है, किसी को भी रोता हुआ देख करके उसको भी नॉर्मल सी बात है कि करुणा आ जाती है। दीक्षो अकार ने कहा सूर्यदर सर देना अजात सतवा शांता साधव साधु भूषण, ये साधु क्या भूषण है। तो करुणा आ जाती है, तो पूछे कि हे देवी तुम कौन हो और इतना तुम रो क्यों रहे हो, देखने में सुंदर लग रही हो और इतना तुम बिल्कुल छाती पीट पीट के विलाप कर रही हो, रो रही हो, क्या कारण है इसका बताओ, अगर मेरे से कुछ हो पाएगा तो मैं जरूर प्रयास करूंगा भाई कि तुम्हारा कुछ दूर कर पाऊं कष्ट। तो वो जो माता जी थी वो जो रो रही थी खूब फूट फूट के, वो बोली कि हे नारद मुनि मैं भक्ति देवी हूँ। नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब साक्षात भक्ति देवी है ये और ये रो क्यों रही है। जिस भक्ति के लिए हम तरसते रहते हैं कि एक भक्ति के सिंधु का एक बिंदु मिल जाए और वो साक्षात भक्ति देवी यहाँ पर रो रही है। और मेन एजेंट है भक्ति देवी के नारद मुनि, मतलब जिनके प्रचार में मैं जीवन डेडिकेट कर रखा हूँ, मेरी मालकिन ही रो रही है, ऐसा क्या कारण हो गया। इसके बाद फिर भक्ति देवी बता रही है कि क्यों क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। तो बताए कि ये दोनों जो दिख रहे हैं ना वृद्ध व्यक्ति, जर्जर बिल्कुल, इनको कोढ़ रोग हो रखा है, बिल्कुल कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जर्जर है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी के दोनों बेटे का क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य। यस, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति आएगी तो उनके, जैसे कि जब गाय आती तो पीछे पीछे बछड़ा आ जाता है ना, वैसे जब भक्ति आएगी, भक्ति पर ईशानुभव भी रखती अन्यत्र एक काला, कि ये भक्ति आती है तो विरक्ति आ ही जाती है, ज्ञान और वैराग्य आ ही जाता है। अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति नहीं आ रही है, साफ बात है। तो अभी बोली कि मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य और ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। तो बोली कि तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हो गई इन तुम्हारे बेटों की? तो बोली कि देखिए मेरी जो उत्पत्ति हुई थी द्रविड़ प्रदेश से, आज के कर्नाटक, तो वहां से मेरी उत्पत्ति हुई थी। गुजरात में जब आई तो थोड़ा सा मेरा वो मेरे को सम्मान मिला था, लेकिन मैं बूढ़ी होने लगी। महाराष्ट्र बिल्कुल मैं जर्जर हो गई और मेरे बेटे भी हो गए। इसके बाद जब मैं वृंदावन गाई गई तो पुनः तरुणी नवा कि वृंदावनम धन्यम वृंदावनम, कि वृंदावन ये पुनः मुझे तो तरुणी बना दिया, लेकिन जो मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य दोनों ऐसे ही रह गए। तो हे देवर्षि मैं इनके दुख से दुखी हूँ। कोई भी नेचुरल है, कोई भी मम्मी है उसका बेटा अगर कोई पेट दर्द करे या कुछ परेशान होता तो मम्मी परेशान होती है, तो वैसे भक्ति देवी परेशान थी। तो नारद मुनि बोल रहे कि बस ठीक है मैं भी हूँ ना, टेंशन मत लो, अभी कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो वैसे नारद मुनि बोले कि बस मैं, अब घबराओ मत, चिंता मत करो, जितना दिन कष्ट में था इनके दिन चले गए, अब अच्छे दिन आ गए हैं, मैं हूँ, मैं भी ठीक करता हूँ।
इसके बाद पूरा आह्वान करके और सारे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किए, वैदिक ऋचाओं का उच्चारण करना शुरू किए, वेद पाठ कर लिए, गीता पाठ कर लिए, महाभारत रामायण पाठ भी कर लिए, सब कुछ कर पूरा के देख ली, कुछ हो ही नहीं रहा ज्ञान वैराग्य का। बोले कि लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, दोबारा करना, दोबारा जोर लगाए, बिल्कुल सांस बांध करके दोबारा सारे मंत्र पढ़ डाले, सारा आहुति दे, देखे ज्ञान वैराग्य का कुछ हो ही नहीं रहा। तो वहीं पर बहुत परेशान हुए कि कैसे ऐसा हो सकता है, इतने जैसे कोई भी अगर वैदिक श्लोक वगैरह पढ़ते हैं तो उसका एक पैस क्रेडिट मिलता है, देखो तो सारे क्रेडिट उनको दे दे रहे थे, फिर भी ज्ञान वैराग्य को कुछ नहीं हो रहा था। तो आकाशवाणी होती है कि हे देवर्षि कुछ सत्कर्म करो, इससे कुछ नहीं होगा। बोले क्या सत्कर्म करो, तो कुछ सत्कर्म करो, कैसे पता चलेगा क्या सत्कर्म, तो देखो ढूंढो। तो ये वापस आकाशवाणी होती है, तो हर जगह ढूंढने लगते हैं कि क्या ऐसा सत्कर्म मैं करूं कि जिससे ज्ञान वैराग्य दोबारा ठीक हो जाए। तो ये सोच करके अब जाने लगे, कहीं भी जाते थे ऋषि महात्माओं से जहाँ मिलते थे पूछते थे कि भाई मुझे सत्कर्म करना है, बताओ कुछ अच्छा सत्कर्म। तो लोग कहते थे वैदिक मतलब वेद पाठ करो, पुराणों का पाठ करो, ऐसे करके। बोले सब करके देखिए कुछ नहीं हो रहा है, ज्ञान वैराग्य जस का तस बिल्कुल जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। इसके बाद खोजते हुए वो बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां पर उनकी भेंट होती है सनकादिक से, चतुष्कुमार से, जो ब्रह्मा जी के चारों बेटे हैं, उनसे उनकी भेंट होती है। तो चारों कुमार उनसे पूछते हैं, ये इतिहास है, ये भागवतम का मैं इतिहास सुना रहा हूँ, ध्यान से बोर मत होइएगा, सुनिएगा कि कहाँ से एक्चुअली आया वो, क्या इसका हिस्ट्री है। मैं आऊँगा धीरे धीरे सुल्तान पे आऊँगा कि कहाँ से सुल्तान में कथा आई। तो वहाँ पर बोले कि आप इतना दुखी क्यों हो, तो बोले कि देखो अगर भक्ति दुखी है और मैं भक्ति का एजेंट हूँ, भक्ति का मैं वो हूँ, तो मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। भक्ति क्यों दुखी है, तो उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो चुके हैं। तो बोले कि आपको फिर कहाँ आप जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कोई महात्मा मिले मुझे कुछ सत्कर्म करने के बारे में। तो सत्कर्म करने के बोले कि फिर आप क्या क्या कर लिए, तो मैं बोला, वो बोले नारद मुनि के सारा वैदिक पाठ कर लिया। तो बोले इससे कुछ नहीं होगा, आप क्या करो, भागवतम का पाठ करो। बोले भागवतम का पाठ, भागवतम का पाठ, भागवतम में मतलब ऐसी क्या है जो सब कुछ में नहीं और सबसे ज्यादा भागवतम मतलब क्षमता रखता है। तो वहां पर ये बता रहे हैं सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी कौन, रोमहर्षण सूत, जो सूत गोस्वामी भागवतम बोले ही नहीं, उनके पिताजी, ये सोनक आदि ऋषि को एक कथा सुना रहे, पद पुराण में वर्णन है। तो वो बोले कि जब भगवान जाने लगे धराधाम से, तो उद्धव जी भी यही पूछे थे कि भगवान आपके बिना मेरा क्या होगा, तो पूरी की पूरी अपनी शक्ति भागवतम में समावेश कर देते, और जितना भगवान में पोटेंसी है उतना पोटेंसी भागवतम है, इसलिए उसके शक्ति से ज्ञान और वैराग्य ठीक हो जाएंगे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो बोलते हैं ठीक है, तो आपको कथा सुनाइए और मैं इसका श्रोता बनता हूँ। तो पहला जो भागवतम किया गया था वो चतुष्कुमार के द्वारा किया गया था, जैसे जो भगवान ने ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, इसके बाद फिर चतुष्कुमार को ज्ञान दिया था। तो चतुष्कुमार ने जो सनक सनंदन सनकादिक जो ये हैं चारों भाई, इन्होंने दिया था, और कहाँ पर, सप्तर्षि घाट, आनंद घाटी हरिद्वार में। तो कहा गया कि अगर नीचे चल के देंगे तो सब लोग आ पाएंगे, तो उसको सुनने के लिए हर जगह से देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सब लोग आए थे और उसको सुने थे, और विशेष रूप से कौन, भृगु ऋषि जा करके सबको बुला के, चलिए 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 भागवतम हो रहा है, चलिए चलिए। कई लोग अकड़ में रहते हैं कि कहीं प्रसाद भी मिल रहा होता है, मेरे से पूछेंगे तब जाओ, मैं अपने, मैं ये हूँ, मैं साधारण व्यक्ति थोड़ा हूँ, मैं मैनेजर हूँ, यही हूँ। अकड़ होती है कई लोग, मतलब अपना स्वाभिमान होती है, अकड़ भी नहीं कर सकते। बट दो चीजों के लिए, अगर कहीं भागवतम हो रहा है और कहीं प्रसाद बढ़ रहा है, तो ये नहीं देखना चाहिए कि मैं ये हूँ मैं हूँ, लास्ट शरम छोड़ के जाके बैठ जाना चाहिए। जैसे गुरु के घर पे लास्ट शरम नहीं करना चाहिए जाने में, पत्नी को पति के घर पे लास्ट शरम नहीं करना चाहिए, ऐसे करके छह जगह बताए गए हैं जहाँ पर बिना लास्ट शरम के जाके, मांग के अगर कोई भिक्षा मांग के भी अगर प्रसाद खाना पड़े तो खा लेना चाहिए, बिना बुलाए भी अगर कहीं भागवतम हो रहा है जाना पड़े चला जाना चाहिए। तो वैसे सबको बुला करके भृगु ऋषि आए थे और पहला भागवतम वहां पर हुआ था, कहाँ पर, आनंद घाट पे। तो इस तरीके से, और साक्षात भक्ति ने भी वहां पर आकर के भागवत सुनी थी, और उसको सुन करके जो उनके दोनों बेटे थे ज्ञान और वैराग्य पुनः वो हो गए थे, जवान हो गए थे। हरि बोल, हरि बोल। ये है
दूसरा भागवतम क्या कहा हुआ था, जब भगवान धराधाम से अप्रकट हुए थे तो भगवान अपने 16,000 जो उनकी महिषियां थी, रानी थी, उनको छोड़ करके गए थे और अर्जुन को एक लेटर लेकर के गए थे कि हे अर्जुन, आप इन सारी मेरी पत्नियों को 16,100 पत्नियों को आप लेकर के हस्तिनापुर जाना। तो जब अर्जुन हस्तिनापुर लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में एक गोप के रूप में ऐसे जो अहिरों की बस्ती होती है, वो लोग आए और मारपीट के अर्जुन से सारी पत्नियों को उनके छीन करके ले गए थे। इसके बाद वही सारी पत्नियां जो थी भगवान की, यहाँ पर वो साक्षात कृष्ण ही आए थे, कोई और नहीं आया था, कृष्ण आए थे अर्जुन का अंगार तोड़ने के लिए। तो वही वृंदावन में इधर उधर घूमती थी। तो कृष्ण के जो पुत्र थे कौन थे, प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र थे बजनाव, बजनाव को बनाया गया था मथुरा का राजा। तो एक बार सारी जैसे भगवान की जो पत्नियां थी, मतलब इनकी परदादियां दिखी थी वहां पर सारी वृंदावन में घूमती हुई, तो वहां पर ये सबसे पूछे थे, सब लोग बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। इसके बाद सब लोग बोले कि देखो बेटा, मैं बहुत दुखी हूं, हम सब लोग कृष्ण के विरह में, तो हमें सुख के लिए, हमें सुख देने के लिए कुछ करो। तो वहां पर एक जैसे कहा गया कि क्या कर सकते हैं, तो आप जाएंगे गोवर्धन में तो वहां पर उद्धव कुंड है, कुसुम सरोवर के जस्ट अपोजिट साइड में गोवर्धन में। तो वहीं पर जो उद्धव जी थे घास के रूप में, जब भगवान उनको भेजे थे वृंदावन में गोपियों का, मतलब कृष्ण प्रेम का महत्व सिखाने के लिए, जो भागवतम पहले से ही पढ़ करके आए थे उद्धव जी, लेकिन जो रस तत्व क्या असली प्रेम तत्व होता है उसका ज्ञान नहीं था। और उद्धव जी ऐसे कैंडिडेट थे जो साक्षात देवताओं के जो गुरु थे वो उनको बुला करके और उनको अपने यहाँ पढ़ाए थे। मतलब ये नहीं अप्रोच किए थे कि आप मेरे को पढ़ाइए, जो उनके जो गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने उनको सिखाया था। तो उद्धव जी वहाँ पर गुल्म लता के रूप में रहते थे। तो उन्होंने फिर कहा गया कि ठीक है, अगर ये भागवतम सुनाएंगे तो भगवान अपनी सारी पोटेंसी, क्योंकि भागवतम में रख करके गए हैं, तो इसको सुन करके हमारा शोक दूर हो जाएगा। तो भागवतम का आयोजन किया गया, लेकिन तब तक कलयुग आ चुका था, कलयुग आ चुका था। तो कलयुग कलह का युग है, कभी भी उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता था कलयुग। तो सेवा लगाई जाती है परीक्षित महाराज की। उस समय पृथ्वी पर एकमात्र परीक्षित महाराज ऐसे योद्धा थे जो कि इतना सशक्त थे, इतना प्रभावशाली थे कि जो कलयुग के भी प्रभाव को रोक सकते थे। कलयुग को मतलब है, क्योंकि कलयुग एक देव शरीर में देवता है, वो भी जैसे चारों युग का अगर पर्सोनिफाइड फॉर्म होता है तो देव शरीर में है। तो जब इनको कहा गया कि ठीक है आप चारों तरफ रक्षा करोगे अपना तीर धनुष लेकर के, और भागवतम कहा जाएगा, और भागवतम कौन बोलेगा, उद्धव जी, सुनने वाले कौन थे, भगवान की 16,100 पत्नियां। तो उद्धव इनको बहुत दुख हो रहा था परीक्षित महाराज को कि देखो मेरे को भागवतम सुनने का मौका नहीं मिल रहा, ओ ठीक है मैं वो रक्षा तो करूंगा लेकिन मैं भागवतम से वंचित हो जा रहा हूँ। तो इसके बाद भागवतम हुआ, भागवतम होने के बाद उनकी जो भगवान की पत्नियां थी इतनी प्रसन्न हुई, और उद्धव जी भी भागवतम कहकर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने इनको वरदान दिया था कि क्योंकि आपने हमारी सेवा किया है, आप कारण बनोगे श्रीमद् भागवतम के उत्पत्ति का। और आगे चल के हम देखते हैं कैसे परीक्षित महाराज कारण बनते हैं श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य का। तो ये है सिर्फ, क्योंकि पहले से उनको आशीर्वाद मिला हुआ था भगवान की पत्नियों का और उद्धव जी का कि आप कारण बनोगे भागवतम उत्पत्ति का। तो जीवन के आखिरी समय में ये होता है। तो ये दो इतिहास है भागवतम का। और एक जैसे कि आता है पद्म पुराण में ही छठवें चैप्टर में कि जैसे भागवतम के अंदर जैसे सूत गोस्वामी सुनाए थे कि भागवतम से कैसा भी पाप हमारा नष्ट हो सकता है, जितना गृहित से गृहित भी पाप अगर हमने कर रखा है ना तो नष्ट हो सकता है। इसका साइड इफेक्ट है, मेन इफेक्ट तो क्या है, प्रेमो कुमार्थो महान। तो सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि ठीक है आप ये बोल रहे हैं सही है, मैं मान भी रहा हूं, लेकिन कोई क्या उसका प्रमाण है, कोई इसका हिस्ट्री में कोई ऐसा हुआ है जो कोई बहुत ज्यादा डिफॉल्टर हो रहा हो, जो बहुत ज्यादा बदमाश आदमी रहा हो और बहुत ज्यादा जो बिल्कुल नरक योनि में गया हो उसका कुछ उद्धार हुआ हो, ऐसा आप कह रहे हैं, मतलब कुछ प्रमाण भी दीजिए टेस्टिमोनियल के रूप में। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है टेस्टिमोनी के रूप में भागवतम का, जो कि गोकर्ण की कथा,
तो ये मैं शॉर्ट रूप में आप लोगों को सुनाऊंगा। ये भागवतम कितना महान है उसको भागवतम की महिमा का गुणगान करने के लिए ये शॉर्ट है। तो तुंग भद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? यस, आप लोग जग रहे हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण थे, बहुत मतलब उच्च कुल के ब्राह्मण थे, वेद पाठ वेद अध्ययन वगैरह किया करते थे, लेकिन गरीब थे थोड़े से, तो भिक्षाटन करके अपना जीविका चलाया करते थे। और एक उनके साथ जीवन में और कमी था, वो अप्रज थे। अप्रज मतलब जिन्हें कोई प्रजनन मतलब प्रज नहीं किया हो, मतलब जिनका कोई पुत्र ना हो। तो दुखी रहते थे कि देखो मेरा उम्र ढलता जा रहा है, अब धीरे धीरे पुत्र उत्पत्ति की अब कैसे नहीं हो पाएगा, मैं अप्रज ही रह जाऊंगा, मेरा वंश चलेगा कौन चलेगा, मुखाग्नि कौन देगा। मुखाग्नि जानते हैं ना, जैसे जब कोई डेथ हो जाता है तो मुख में अग्नि देते हैं, तो मुखाग्नि कौन देगा, मेरा पितृ वो अर्पण कौन करेगा, ऐसे करके बहुत दुखी रहते थे वो ब्राह्मण थे। तो एक बार सोचे कि अब जा रहा हूँ जंगल में, ऐसे जीवन से क्या फायदा, कोई बेटा वगैरह है ही नहीं मेरे, और उधर ही जाऊँगा देखूंगा कुछ तपस्या वगैरह करूंगा, कोई मिल जाएगा जंगल में साधु संत रहा करते हैं, अगर कोई मिल जाएगा तो प्रार्थना रिक्वेस्ट कर लूंगा, दुखी हो जाएगा ऐसे पहले प्रश्न वो था। तो बहुत दुखी थे तो चले गए जंगल में, और वहां जाकर के फिर उनको एक संत से मिलते हैं। तो बहुत बिल्कुल रो रो के उनके पैर पकड़ लेते हैं कि आप ही मेरी रक्षा करो, मैं यहीं पर आपके सामने ही जान दे दूंगा, मैं बहुत दुखी हूँ ऐसा वैसा। इसके बाद वो साधु दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, तपेते लोग तापे ना साधु प्रयास हो जाना, कि दूसरे के ताप को देख करके खुद तपित होते हैं साधु। तो बोलते नहीं नहीं बताओ आपका क्या दुख है, मैं कुछ प्रयास करूंगा प्रयास करूंगा का कुछ प्रयास करूंगा। तो बोलते मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहा हूँ, कैसे होगा मेरा काम, कैसे चलेगा, कौन मतलब मेरा पितृ तर्पण करेगा, मैं नरक में चला जाऊंगा। तो इसके बाद उनकी रोदन को सुन करके ठीक है साधु बोलते हैं ठीक है, तो ये लो एक सेव और उसको मंत्रों से वो करके आह्वान करके देते हैं कि अगर इसको पत्नी को खिला देना आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। देखिए इससे की भी शिक्षा मिलता है कहानी से हट करके, कि जैसे आज के हम डेट में जो जॉब वगैरह करते हैं, कुछ इनकम होती है हमारे बैंक में जाता है तो क्रेडिट अकाउंट में दिखता है कि अभी क्रेडिट दिस मच अमाउंट। तो जैसे जॉब करने पे पैसा के रूप में क्रेडिट आता है, वैसे भक्ति करने पे या जो भी पुण्य कार्य करने पे भी क्रेडिट आता है। तभी तो देखिए ये क्या होता था कि मेरे क्रेडिट में मेरे पुण्य कर्म इतना नहीं है कि मैं पुत्र की उत्पत्ति कर पाऊँ। तो साधुओं के पास ऐसा होता था पुण्य कर्म, वो अपना पुण्य कर्म, जैसे कि मैं बहुत किसी से लोन ले रखा हूँ उधार में चल रहा हूँ, बट किसी के पास अगर पैसा है वो मेरे को देते ठीक है लो 1,00,000 रुपए, 50,000 मेरा उधार से ही पुण्य कर्म का भी ट्रांसफर होता है। तो वैसे वो दिए सेव किया पत्नी को देना, उनमें इतना पैस क्रेडिट पुण्य कर्म आ जाएगा कि पुत्र की प्राप्ति होगा। तो वो लिए और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, तो धुंधली को दिए कि लो और इसको खाओ तुम्हें पुत्र होगा। तो धुंधली चक्कर पड़ी, बताओ कौन इतना कष्ट उठाए, अब गर्व ठहरेगा कितना पेन होता है, पुत्र उत्पत्ति में बहुत पेन होता है, कौन इतना झंझट उठाने जाए। और मान लो ऐसा कोई सुखदेव गोस्वामी जैसा बेटा आ गया 16 साल घर में रह रहा हूँ तो दुख से ही मैं मर जाऊंगी, तरह तरह के मन विचार आने लगा, घर में आग लग गया मैं भाग नहीं पाऊंगी मर जाऊंगी, बताओ मेरा पेट भारी रहेगा, या जो मेरी देवरानी वगैरह है मेरे को कुछ सुला करके मैं भाग नहीं पाऊंगी लूट लेगी, ऐसा वैसा तरह तरह के विचार आ रहा था। उसी गाँव में उनकी बहन रहती थी, उसको उन्होंने बोला कि देखो बहन ऐसा ऐसा मैं वो नहीं चाहती हूँ पुत्र, और तुम ये मेरे पति ने सेव दिया इसको तुम खा लो, और जो भी तुम्हारा पुत्र है तुम इसको मुझे दे देना और इसको साठ घाट कर ली। तो ठीक है, तो फिर बहन बोली कि देखो मेरा तो पुत्र है मतलब हो ही रहा है, मैं इसको खा के क्या फायदा, तुम टेस्ट करने के लिए गाय को खिला दो चलो कि कुछ होता है कि नहीं हम भी देख लेंगे, और मेरे पुत्र को तुम ले लेना। तो समय के साथ जब उनका पुत्र हुआ तो इनको दिखा दी आत्मदेव को कि देखो मेरा पुत्र हुआ है, और आ करके वो जो उनकी वाइफ की बहन थी उनको दूध पिला दिया करती थी। तो इस तरीके से वो बड़ा होने लगा, उसको धुंधली के नाम पे उसका नाम पड़ा धुंधकारी, धुंधकारी नाम पड़ा। और गाय से भी, क्योंकि वो अभिमंत्रित था साधारण तो था नहीं से, तो गाय से भी एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम पड़ा गोकर्ण। उसका जो कर्ण था वो गो के जैसा था, गाय के कान के जैसा, और पूरा शरीर जो था मनुष्य के जैसा था, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। तो गोकर्ण क्या वो दोनों भाई
बढ़ने लगे, पता चल गया कि भाई गाय को पुत्र हुआ है, गाय को पुत्र हुआ है, क्योंकि इनके घर की गाय है, इनके गाय को पुत्र हुआ, तो चलो इस पुत्र के रूप में पालने लगे। उनको तो समझ में आया कि क्यों गाय का पुत्र हो गया, लेकिन दुधनी को मालूम था कि क्यों गाय का पुत्र हुआ है। तो ठीक है, दोनों बढ़ने लगे, तो गोकर्ण बहुत ही महान विद्वान के रूप में फेमस हुए और दुधकारी एक नंबर के दुष्ट के रूप में फेमस हुआ बिल्कुल। तो अब जितना भी जैसे बेन महाराज का भी कुछ था, पहले प्रसंग चल रहा था कि नहीं, बचपन में ही गला दे के दबा के मार दिया करते थे, खेल खेल में ही बच्चों का गला दबा दिया करता था, इतना दुष्ट था। और वैसे ही गोकर्ण महान ब्राह्मण थे, तो उनके पिताजी आत्मदेव बहुत परेशान हो रहे थे, पता नहीं कैसा बेटा हो गया, ऐसे बेटे से तो अच्छा भगवान किसी को बेटा ना दे, इस तरीके से परेशान हो रहे थे। तो गोकर्ण बोले कि हे पिताजी, आपको परेशान होने की जरूरत क्या है, अब ऐसे ही पंचाशुद्धम बनम रजे, 50 साल के ऊपर अवस्था क्या कोई है, वन में जाइए, धीरे धीरे तब चतुर्पण आपका आया, गति मुक्ति बने, जीवन भर घर में थोड़ी ना रहना है। तो ये सोच करके सुन करके बोले, बेटा तो बात सही कह रहा हो, वैराग्य ले लिए। और गोकर्ण भी वो संन्यास बचपन से ही ले लिए थे, चले गए। और धुंधली को इतना परेशान किया धुंधकारी ने कि वो कुएं में कूद करके जान दे दी, इतना ज्यादा दुष्ट था ये। इसके बाद क्या किया, 5-5 बेस्याओं को अपने घर पे लेकर के आया, उनको रखता था, दिन भर चोरी डकैती करता था, मतलब तो सुबह से लेकर शाम तक कोई भी ऐसा मतलब डिफॉल्टर का काम नहीं था जो नहीं करता था। तो सारी बेस्याएं एक दिन मीटिंग की कि देखो जो हमारे ये पति देव हैं, एक नंबर के चोर बदमाश हैं, लूट लाट के तो ये पैसे लाते हैं, कभी भी राजा के आदमी आएंगे इनको पकड़ के ले जाएंगे, और इनको पकड़ के ले जाएंगे तो हमें पकड़ के ले जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम पकड़ ही जाएं, जेल में जाएं। क्या करती हैं, जिनके भी इनके धन है इनके आपस में बांट देती हैं और इनको मार देती हैं। तो सारी बिल्कुल प्लानिंग की, और रात में जब लूट लाट के आया वो, इसके बाद उसको वो मतलब बांध दी, उसको आग लगा के वही पीट पीट के मार दी, और मार के उसी घर में ही उसको गाड़ दी थी, फिर पूरे पैसे लेकर के भाग गई। कुछ साल बाद ये मतलब काल्पनिक कथा नहीं है ये, मतलब एक बचपन में कथा मम्मी लोग सुनाती थी ना, सुनाने के बाद एक कहती थी, तनी आप लोग सुनिए, कहानी गई मन में सोचा अपन मन में तो ऐसा नहीं, काल्पनिक कथा नहीं है ये रियल का मतलब भाग, ये पद पुराण की स्टोरी है। तो क्या बोलते हैं, हाँ, जब गोकर्ण वापस आए अपने घर पे, इसके बाद फिर वो उनको जब सोए हुए थे उसी घर में, तो अचानक से कहीं से आवाज आने लगती थी, दरवाजा खुलता था बंद होता था, तो जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में मंत्र को अभिमंत्रित करके जड़ फेंक करके वो बोले, क्या है, कौन परेशान कर रहा है। तो धुंधकारी बोल पड़ा कि अरे भैया, मैं आपका पतित भाई हूँ, मैं ऐसा ऐसा आपको पता है, मैं पति था, मेरे से गलती हो गई थी, आप कुछ करो मेरे लिए, कुछ करो। बोले कुछ करो, अरे मैं तुम्हारे लिए गया जाके पीठ दर्पण करके आया हूँ, तुम्हारा ऐसे गति कैसे हो रहा है। बोले देखो भैया, गया जैसे तुम जाके सैकड़ों पीठ दर्पण कर दोगे, मेरा कुछ नहीं होना हूँ, मैं एक नंबर के पापी हूँ, नरकों में भी मेरा जगह नहीं हो रहा है, अभी मैं प्रेत योनि में हूँ, उसके बाद फिर नरक योनि में जाऊंगा। इसके बाद फिर वो बोलते हैं ठीक है कुछ मैं करता हूँ, बहुत रोने के किनारे लगा हूँ, कौन धुंधकारी, वेरी गुड, तो धुंधकारी रो रहा था। इसके बाद फिर बोलते हैं ठीक कुछ करते हैं, तो अगले दिन सारे ब्राह्मणों से पूछते हैं कि कुछ करना है, मेरे भाई ऐसे अधोगति को प्राप्त हो गया, करना है क्या, करना है क्या, करना है। तो सारे ब्राह्मण बोले कि आप इतने बड़े सन्यासी हो, इतने विद्वान हो, आप ही बताओ क्या करना चाहिए। इसके बाद फिर वो उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो सूर्य देवता से पूछते हैं कि हे सूर्यदेव, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो साक्षात सूर्यदेव बताते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम का पाठ करो, श्रीमद् भागवतम के पाठ करने से, सप्ताह पाठ करने से आपका भाई का निश्चित रूप से प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। तो ये सुन करके सारे गांव वाले बोलते हैं तो बहुत अच्छा है, और आपसे अच्छा वक्ता कौन है, तो आप ही सुनाइए। तो जो गोकर्ण थे कथा करने बैठ गए, और गोकर्ण श्रीमद् भागवतम का 7 दिन का कथा किए, और जो उनका भाई था धुंधकारी वहीं पर बांस जाते ना बस वाले बांस के पोर में आकर के बैठा हुआ था, शरण लिया हुआ था, और एक दिन जब बीता था तो एक बांस का वो खटता था, दूसरे दिन पे दूसरा, सबको आश्चर्य होता था ऐसी आवाज कैसे चर 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 करके आ रहा है, फिर चलो कुछ होगा। जब 7वां दिन बीता, 7 दिन का भागवत सप्ताह होता है कि नहीं, तो जब 7वां दिन बीता तो पूरा का पूरा बांस ऐसे फटा, और उसमें से चतुर्भुज फॉर्म में एक व्यक्ति प्रकट हुआ, और व्यक्ति प्रकट हुआ उसको लेने के लिए नंद सुनंद दोनों भगवान के पास आ गए, और उनको बैठा करके और भगवत हम लेके जाने लगे। तो मतलब ये गोकर्ण बोले कि ऐसी मतलब
डबल वो चीज क्यों हो रही है? सुने तो सारे लोग हैं और आप ले जा रहे हो धुंधकारी को, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? अगर ले जाना चाहिए सेम वक्ता, सेम श्रोता, सेम कथा कर रहा था, तो ये क्यों नहीं जा रहे? बस वही क्यों जा रहा है? तो बोलना वो जो चल वो बोले नंद सुनंद भगवान के पास सर कि जितना तन्मयता से ये सुन रहा था ना उतना ये सब नहीं सुन रहे थे। सबका किसी का मोबाइल फोन भी बच जा रहा था, किसी के घर बार का भी चिंता हो जाता था, बिजनेस का चिंता हो जाता था, है कि नहीं? जैसे कि देखिए ना, जब कोई शमशान घाट में हम जाते हैं, जब किसी की मृत्यु हुई रहती है, सबकी यही गति होती है। अच्छे व्यक्ति थे, कोई कुछ नहीं लेके जाता है भाई साहब, है कि नहीं भाई साहब? हाँ जी भाई साहब, जी भाई साहब, बात सब लोग कर रहे होते हैं। और वहां से निकलते ही हाथ पैर होते हैं, हाँ जी इतना माल भेज रहा हूँ, इतना पैसा भेज देना, तुरंत फोन कॉल आने लगता है। माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि नहीं? बट धुंधकारी के माइंड में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, इसलिए उसका वो हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ? तो दोबारा नंद सुरंग बोले कि दोबारा से आप कथा करो, सबके पाप कर्म तो समाप्त हो गए हैं, इतना भी क्रेडिट नहीं आया कि भगवत धाम जा सके, बट दोबारा करोगे तो सारे उसमें क्रेडिट आ जाएंगे। तो क्या होता है कि दोबारा से वहां पर भागवतम होता है, और इस बार क्या हुआ, साक्षात भगवान आते हैं वहां पर और गोकर्ण को अपने साथ भगवत धाम लेके जाते हैं, और पूरा का पूरा गांव एक साथ मतलब वैकुंठ धाम चला जाता है भागवतम श्रवण मात्र से। हरि बोल। और सुखदेव गोस्वामी तो बिल्कुल बेटा वो घोषणा कर रहे हैं कि स्वर्गे सत्य चकैला से वैकुंठे न च अयम रस अतः पिबन्तु मद भाग्य मामा मुचित कर दीजिए। क्या कह रहे हैं कि स्वर्गे सत्य च कैला से, स्वर्गे ये जो भागवतम का रस है ये स्वर्ग लोक में नहीं है, और कहानी है स्वर्गे सत्य सत्य लोक जो ब्रह्म लोक में भी ऐसा रस नहीं है, च कैला से, कैलाश मतलब शिव जी का लोक, शिव जी का वास स्थान, वहां भी ये रस नहीं है। स्वर्ग में सत्य लोक में कैलाश में क्या कहा जाए, वैकुंठे नाच अयम रसम, वैकुंठ में भी जो कृष्ण का प्रेममयी लीलाएं हैं, ये जो गोपियों का लीलाएं हैं, जो भागवतम का रस है, ये वैकुंठ में भी विष्णु लोक में भी नहीं है, ये कहां है, इस पृथ्वी लोक में है। अतः पिबंतु सदभाग्या, हे सदभाग्य लोग इसको क्या कीजिए, पीजिए पीजिए, मामा मुंचति कर दीजिए, तो उसको छोड़िए मत, छोड़िए मत। और व्यासदेव भी रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं भागवतम के फर्स्ट कैंटो के थर्ड श्लोक में, तो क्या कह रहे हैं, पीवत भागवतम रसमारय मुहुर अहो रसिका भूर भावुका, कि हे भावुक लोग, हे भक्त लोग क्या कीजिए, पीजिए। भागवतम कैसा चीज है, पीने वाला चीज है, जैसे आम का पूरा बना माजा बना देते हैं मैंगो से, बिल्कुल ना कोई गुठली हो ना कोई छिलका हो, बस पीने वाला चीज है, ना कुछ चबाना पड़े बिल्कुल। भागवतम क्या है, निगम कल्पतरु गलितम फलमिदम, निगम कल्पतरु, अगर सारे वेदों को, निगम को, सारे वेदों को अगर पेड़ मान लिया जाए तो उस पेड़ का पका हुआ फल क्या है, श्रीमद भागवतम। श्रीमद भागवतम जैसे एक पेड़ है, पेड़ के पत्तियों में भी रस होता है, डालियों में भी रस होता है, लेकिन असली रस का स्वादन होता है जब उसमें कोई फल आए, फल धीरे धीरे पक जाए, तो उस फल का जो टेस्ट होता है पेड़ के डालियों को चूसने से या पत्ते को काटने से चूसने से वो रस नहीं प्राप्त होगा। तो सारे वैदिक ग्रंथों का पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवतम। अतः पिबन्तु सद्भाग्य मामा मुंचति कर दीजिए, तो जहां भी मौका मिलना चाहिए भागवतम को बिल्कुल पीना चाहिए। तो ये भागवतम की महिमा थी, भागवतम की स्टोरी था। अब भागवतम को श्रवण करने के बाद क्या इसका इफेक्ट होता है, हियरिंग पे क्या इफेक्ट होता है? तो पहला जो बताया गया है, नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, भगवती भक्ति उत्तमा श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी, हमारी भक्ति जिसके लिए कहते ना कि एक बूंद भक्ति मिल जाए, बस श्रद्धा रूपी बूंद मिल जाए, तो भक्ति बिल्कुल दृढ़ होती है, नैष्टिक होती है। और नष्ट प्रायसु अभद्रेशु, हृदय में जितने भी अभद्र है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सारा सारा जल के राह हो जाता है, किससे, नित्यम भागवत सेवया, भागवतम का श्रवण करने मात्र से। देखिए प्रभुपाद जी
जब विदेश जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप विदेश जा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था नहीं, भागवतम श्रीमद भागवतम विदेश जा रहा है और मैं इसके साथ जा रहा हूँ। मतलब असली व्यक्ति कौन है? श्रीमद भागवतम, और बस मैं इसको छोड़ने के लिए जाता जैसे अटेंडेंट, जैसे ये इनकी फ्लाइट है और मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ, वैसे ये भागवतम विदेश जा रहे हैं और मैं इनके साथ जा रहा हूँ। भागवतम प्रभुपाद को पूरा भरोसा था कि मलेच्छ से मलेच्छ व्यक्ति के भी कानों में जब भागवतम रूपी अमृत जाएगा ना तो सबका हृदय शुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद जी का ये भरोसा था। प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं बोर्ड पे, वो आप लोग पढ़े होंगे जो सॉन्ग, उसमें लिख रहे हैं कि जैसे कि हे भगवान मेरी, मतलब ये भागवतम का संदेश, शुद्ध संदेश उनके कानों में जाओगे तो निश्चित रूप से उनका हृदय परिवर्तित होगा और उनका हृदय शुद्ध होगा और भक्ति में उनका मन रहेगा। तो ये भागवतम पर प्रभुपाद जी का भरोसा था। और इसमें कहते हैं कि जैसे कहीं भी हम तीर्थ में जाते हैं ना, तो तीर्थ में जाने से हमारा पाप तुरंत खत्म हो जाता है। क्या होता है? पाप खत्म हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं खत्म होती है। पाप खत्म हो जाता है, पाप करने की प्रवृत्ति नहीं खत्म होती है, और प्रवृत्ति रहती है तो दोबारा हम पाप करते हैं। फिर क्या होता है? दोबारा पाप करते हैं तो दोबारा पाप करने की, और जितना पाप करेंगे और प्रवृत्ति बढ़ती है, और प्रवृत्ति करते हैं और पाप करते हैं। तो ये कूटम बीजम फलोन्मुखम का ये चक्र, जो कर्म का चक्र, चलता जाता है। लेकिन भागवतम का श्रवण करने से क्या फायदा होता है? पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, और जब पाप करने की, भागवतम श्रवण से पाप खत्म होता है, पाप की प्रवृत्ति खत्म होती है, और जब प्रवृत्ति खत्म होती है तो आदमी जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। नहीं तो बार बार फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आके शयन करना पड़ता है। तो आखिर में कंक्लूड करना चाहूंगा कि जैसे देखिए हमारे लिए मथुरा, हम जाते हैं मथुरा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मथुरा क्यों इतना फेमस है या क्यों महत्वपूर्ण है? साक्षात भगवान वहां पर अवतरित हुए थे, कृष्ण का अवतरण हुआ था। यस और नो? या अयोध्या क्यों इतना महत्वपूर्ण है? भगवान राम का अवतरण हुआ था वहां पे, इसलिए इतना। तो जो भी भगवान के प्राकट्य का स्थान होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत पोटेंट होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है, ये भगवान का शाब्दिक अवतार है, ये भगवान का सात्विक अवतार है, और भागवतम भगवान का वैसा अवतार है जिसमें कि सारे के सारे अवतार समृद्ध हो जाते हैं। भगवान के प्रत्येक अवतारों की कथा उसमें है। नरसिंह देव आए, लीला किए चले गए, कोई भी अवतार आए, लीला किए चले गए, लेकिन ये अवतार और ये भगवान आज भी भागवतम में है, और उनको पठन करके, श्रवण करके हम उनको व्यक्तिगत उनका अनुभव कर सकते हैं, रिलीज करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भगवान के सारे अवतार है कि नहीं? अभी तक शुरू में कह रहे हैं अतः उम्मीद नहीं कृष्ण सु भगवान स्वयं। भागवतम के प्रथम स्कंद जो पूरे 24 पूरे अवतारों का वर्णन करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एते च ये जो थे अंश कला पुंस, ये अंश और कला थे, कृष्ण सु भगवान स्वयं, ये घोषणा करता है श्रीमद् भागवतम कि कृष्ण है जो कि अवतार नहीं अवतारी है। सारे पुराणों को पढ़ने के बाद ये लगता है कि नहीं विष्णु सारे अवतारों के स्रोत हैं, लेकिन भागवतम पढ़ने के बाद ये लगता है कि नहीं कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, कृष्ण से सारे अवतार आते हैं। बाकी एतेच अंश कला पुंस, ये अंश और कला है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और जो श्रीमद् भागवतम है सारे के सारे अवतार उसमें सम्मिलित हैं, और वो सारे के सारे अवतारों का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा स्थान है? सुक्ताल है, जहां पर जब परीक्षित महाराज को 7 दिन का के में मृत्यु का जब श्राप मिल गया था श्रृंगी उसमें ब्राह्मण के द्वारा, तो उन्होंने जा करके जो सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा सुनाई थी 7 दिन 7 रात तक, वो स्थान है। कौन सा स्थान है? सुक्ताल। तो एक तरह से सुक्ताल वो स्थान है जहां के जहां एक तरह से कहा जा सकता है कि भगवान के सारे अवतारों का उद्गम स्रोत है, और मुख्य रूप से जो भागवतम ही है जो भगवान का हमें वर्णन बताता है। और जब किसी के बारे में जानेंगे तब तो उससे प्रेम होगा,
तो अतः हमें ऐसे स्थान पर जरूर जाना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए उस तीर्थ से। एक बार की जैसे बात है, शिव और पार्वती जी कहीं जा रहे थे तो अचानक से नंदी बैल पर से शिव जी नीचे कूद गए और कूद करके प्रणाम करने लगे उस जगह को। तो माता पार्वती पूछी कि हे पतिदेव आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो बोली अरे तुम जानती नहीं हो, ये वो जगह है, आज से 10,000 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़े भक्त प्रकट हुए थे, इसी स्थान इंपोर्टेंट है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा, वही प्रणाम कर रही थी। फिर बैठ कर नंदी बैठ में चलने लगते हैं। आगे चल के कुछ देर बाद और शिव जी एक बार और नीचे दंडवत कर लेते हैं, पूछ जाते हैं, माता पार्वती पूछ रहे यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हैं? अरे तुम्हें पता नहीं, 10,000 साल बाद इन फ्यूचर यहाँ पर एक बहुत बड़े भक्त आएंगे, तो आज से ही वो धरती इतनी पवित्र होगी, यहाँ पर भक्त आने वाले हैं। तो सोचिए जो श्रीमद् भागवतम का अवतार का, श्रीमद् भागवतम का जो उद्गम का क्षेत्र है वो कितना ज्यादा पोटेंट होगा। और वहां जाके प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ऐसे पृथ्वी, ऐसे धाराधामी, ऐसे स्थान आप मेरे को शक्ति दीजिए कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने में, श्रवण करने में, मनन करने में मेरी रुचि आए। और भागवतम इतना मधुर है कि साक्षात कृष्ण भी जिससे आकर्षित हो, कृष्ण भी जिसको सुनना चाहते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि आपका कोई ग्लोरिफिकेशन कहीं किया जाएगा या कहा जाएगा, कहीं लिखा होगा, तो सबको अच्छा लगता है कि हाँ मेरी महिमा का गुणगान किया जाए। तो भगवान भी इज द सुप्रीम पर्सन, वियर पर्सन, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ माँ जहाँ पर मेरा लव स्टोरी लिखा हो, सबको पसंद होता है। तो भागवतम वो ग्रंथ है, तो जो भागवतम वो ग्रंथ जो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेता है। तो हमें ऐसे स्थान पे जाना चाहिए, वहाँ प्रार्थना करना चाहिए कि हम भागवतम समझ पाए, सीख पाए और भागवतम श्रवण कर पाए। इससे क्या होगा, नष्ट प्राय सु भद्रेशु नित्य भागवत सेवा। भागवतम श्रवण करेंगे, हृदय का मैल दूर होगा, पाप करने की प्रवृत्ति खत्म होगी, जिससे कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल पाएंगे। हरे कृष्ण। आप में से कौन बन जा रहे हैं सुकृता, ये कौन बन जाने की सोच रहे हैं? जाइए, वन डे ट्रिप है, संडे का है, सुबह जाइएगा, शाम तक आ जाइएगा, एक रिट्रीट भी हो जाएगा, मतलब आउट स्टेशन हो जाएगा घर से बाहर, है कि नहीं? गंगा स्नान हो जाएगा। हाँ सही बात है, गंगा स्नान से, गंगा स्नान करने मात्र से तुरंत सारे पाप खत्म हो जाते हैं। एक बार की बात है, शिव जी ये कथा सुना रहे थे, शिव जी के पांच मुखों से अपने कथा करते रहते हैं, बस एक मिनट माता जी, तो पार्वती जी से कह रहे थे कि देखो देवी, गंगा स्नान करने मात्र से सारे के सारे पाप जल के राख हो जाते हैं। तो पार्वती जी को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले बिल्कुल हो सकता है, और जिसको मतलब वो, लेकिन क्योंकि सबका भरोसा इस पर नहीं होता है, इसीलिए सबका वो नहीं होता है, नहीं जिसको भरोसा हो तो तुरंत सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पार्वती जी टेस्ट करने बैठ गए, तो शिव जी बोले कि ठीक है मैं ड्रामा करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नाला बहरा, मैं इसी में गिर जाता हूँ थोड़ा सा और बूढ़ा व्यक्ति बन करके, और आप बोलिएगा कि कोई भी आए और उसको मुझे उठा ले, उसमें से निकाल दे, लेकिन एक कंडीशन है कि वो कोई भी पाप नहीं किया, वही व्यक्ति छू सकता नहीं, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पार्वती जी लगी वहीं पर विलाप करने, हाय 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 मेरे पति को कोई बचाओ बचाओ, बेचारे बूढ़ा है, मैं भी बूढ़िया हूँ, नाले में गिर गए, कोई निकाले निकाले। तो एक कई लोग उसमें साधु महात्मा भी जाते थे, साधु महात्मा जाइए मेरे पति को निकाल दीजिए निकाल दीजिए। अब लेकिन जब निकालने जाते थे बोलते थे एक मिनट में रुकिए, इनको लेकिन वही छू सकता है ना जो कोई पाप नहीं किया हो, जो भी मतलब गंगा के तट पे बैठे थे और लोग गंगा नहा करके जो निकल रहे थे उन्हीं से पूछ बोल रही थी कि आप इनको निकाल दीजिए निकाल दीजिए, और जब ये जहाँ सुनते थे कोई पाप नहीं किया हो कोई निकालने को तैयार नहीं होते थे। तो वहीं बस एक चरवाहा था जो भैंस गाय चराते हैं ना, तो वही नहा धोकर वो भी निकल रहा था। तो पार्वती जी बोली कि मेरे पति यहाँ पर बुजुर्ग हैं, मैं भी बुजुर्ग हूँ, निकाल दो देखो मर जाएंगे गिरे हुए हैं। तो बोले जल निकालने लगा। इसके बाद फिर जब वो पार्वती जी बोले एक मिनट रुक जाओ, उनको वही निकाल सकता है जो आज तक कोई पाप नहीं किया हो। तो बोला कि अरे गंगा ना के आ रहा हूँ, सारे पाप अभी भी नष्ट किया हूँ, पाप कोई बचा है? तुरंत हाथ पकड़ा एक मिनट में निकाल दिया। तो इतना भरोसा होना चाहिए, गंगा नहाया तो तुरंत पाप खत्म हो जाएंगे। तो ये क्योंकि आध्यात्मिक चीज सारी जितना जिसका फेथ होता है उसी
मतलब प्रोपोर्शनल होती है उसी मात्रा में काम करती है, तो तुरंत वो निकाल दिया। तो ऐसे हम गंगा जा रहे हैं, स्नान करेंगे, सारे पाप हमें नष्ट करने का एक मौका मिल रहा है, तो आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथ राष्ट्र भागवतम के संडे ऑफिस क्लास की श्रीमद् भगवत गीता की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।